हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल टाइप टिप्स। दोस्तों मैं बताऊंगा इस वीडियो में जीपी रेटिंग करने के लिए ये तीन कॉलेज ही क्यों इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जीपी रेटिंग करना हो तो ये तीन कॉलेज से ही करो, वरना मत करो। तो दोस्तों इतना पैसा तो किसी के पास रहता नहीं है जो एडमिशन करने के टाइम पे 2 से 3 लाख रुपये पे करे, फिर प्लेसमेंट पाने के लिए 3 से 4 लाख रुपये पे करे। बाय द वे एडमिशन के टाइम पे हम लोग जुगाड़ करके दे भी देते हैं 2 से 3 लाख रुपए, तो फंस जाता है प्लेसमेंट का, जो पाने के लिए हम लोग कहाँ से पे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये तीन कॉलेज ऐसा कॉलेज है जो हम लोग को मतलब प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करती है और स्टडी भी नंबर वन की होती है दोस्तों इसमें। तो नंबर वन पे आता है ट्रेनिंग सिप रहमान, TS रहमान। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम TS रहमान के नाम से जानते हैं, बहुत ही फेमस कॉलेज है दोस्तों, आप नाम सुने रहेंगे, बहुत ही पुराना कॉलेज है दोस्तों, ये मुंबई में पड़ता है। और दोस्तों मैं अगर बताऊं, अगर इसमें एडमिशन हो जाता है आपका, इसमें एडमिशन प्रोसेस थोड़ा लेंथी है और एडमिशन प्रोसेस थोड़ा इसमें डिफ़िकल्ट भी है, आपको स्टडी करना पड़ेगा GK 10th के बेस पे, इन लोग GK मैथमेटिक्स पूछते हैं। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, इसमें एडमिशन उडमिशन जो भी प्रोसेस है आप क्लियर कर लेते हो, तो आपको प्लेसमेंट के लिए कहीं भी नहीं भटकना पड़ेगा, कहीं भी नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ उसमें आती है और प्लेसमेंट उसमें आसानी से मिल जाता है, एकदम आराम से आपको प्लेसमेंट उसमें मिल जाएगा, बस इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा और थोड़ा स्टडी मतलब आपको करना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो मैंने मना किया तीन कॉलेजेस के अलावा बाकी कॉलेजेस से जीपी रेटिंग मत करो करके, एडमिशन मत लो करके, मैंने क्यों दोस्तों मना किया ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। और नंबर दो पे आता है दोस्तों नूसी मैरीटाइम एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, नूसी मैरीटाइम एकेडमी भी बहुत ही पुराना कॉलेजेस है दोस्तों, TS रहमान के बाद इसका ही नंबर आता है और ये गोवा में पड़ता है दोस्तों। जी हाँ, ये गोवा में पड़ता है। इसके बारे में बता दूं दोस्तों, इसमें भी अगर एडमिशन आपका हो जाता है तो इसमें भी कुछ आपको सोचना नहीं पड़ेगा दोस्तों, एडमिशन के लिए या फिर मतलब प्लेसमेंट के लिए बोला जाए, ये जॉब पाने के लिए जो आपको टेंशन रहता है कि मुझे पैसा पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, इसमें एक्स्ट्रा पैसा आपको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, जो एडमिशन का फीस है वही आपको पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको प्लेसमेंट के लिए पैसा कुछ चार्ज करना ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें यही आपको एक सुविधा मिलती है दोस्तों कि आपको प्लेसमेंट के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, उसमें ही आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक बात बता दूं, इसमें एडमिशन का प्रोसेस जो है बहुत लेंथी है, बाकी कॉलेजेस जो है उससे बहुत डिफ़िकल्ट इसमें एडमिशन प्रोसेस है। तो आपको अगर एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल्स में अगर चाहिए तो आपको मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट में आप बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अब नंबर तीन पे जो है दोस्तों वो है उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, ये उड़ीसा पैरादीप में पड़ेगा और ये भी बहुत ही पुराना कॉलेजेस है दोस्तों, जैसे कि नूसी और TS रहमान के बारे में बताया, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है प्लेसमेंट प्रोवाइड करने के लिए, इसमें भी दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां आती है प्लेसमेंट प्रोवाइड करने के लिए, बस आपको स्टडी और इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं, बस इसमें स्टडी थोड़ा अच्छा सा करना पड़ेगा। तीनों कॉलेज जो है इसमें स्टडी भारी मात्रा में मतलब हार्डली होता है दोस्तों, अच्छे से कराया जाता है स्टडी और आप मतलब आराम से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बस स्टडी अच्छा से करना पड़ेगा और जो प्लेसमेंट का तरीका है वो इंटरव्यू क्लियर करके ही करना पड़ेगा, आपको प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। तो गाइस मैं अब बता देता हूँ कि मैंने क्यों मना किया था TS रहमान और नूसी मैरीटाइम एकेडमी, उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी के अलावा जो बाकी कॉलेजेस है उससे जीपी रेटिंग मत लो करके, एडमिशन मत कराओ। तो गाइस मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि गाइस अगर आप ले भी लेते हो अदर्स कॉलेजेस में एडमिशन, ये तीनों कॉलेज के अलावा किसी और कॉलेज में आप ले भी लेते हो एडमिशन, तो होता क्या है दोस्तों, 6 महीने का ट्रेनिंग हुआ, पढ़ाई कंप्लीट किया आपने, पास आउट किए और अपने घर पे बैठ गए सर्टिफिकेट लेके, फिर होता क्या है जगह जगह आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, नहीं मिल रहा जॉब, क्यों? बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्त नहीं लेती है, फ्रेशर लोगों नहीं लेती है, हायर करती ही नहीं है। और चलो मान लेते हैं अगर आपको कोई कंपनी मिल भी जाती है गाइस, तो वो कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी मिलेगी आपको गाइस, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी आपको फ्रेशर को नहीं उठाएगी, कोई भी छोटी कंपनी आपको मौका देगी और गाइस वो भी छोटी कंपनी आपसे 4 से 5 लाख रुपये हायर करेगी बोलने के लिए, मतलब पे करने के लिए बोलेगी, और वो भी गाइस पे करने के बाद आपको 6 से 9 महीने ही आपको जॉब पे रखेगी, उसके बाद गाइस वो आपको वेटिंग लिस्ट पे घर पे बैठाएगी और वो भी उसमें बैठाएगी 6 से 9 महीने के लिए, आपको 9 से 12 महीने भी लग सकता है, जब तक उन लोगों के जहाज़ खाली नहीं होगा तब तक आपको वो बुलाएंगे नहीं रिटर्न से काम पे आपको। तो यही होगा गाइस कि आपको मतलब वेट करना पड़ेगा या फिर मतलब आप थक के छोड़ दोगे, दूसरे कंपनी में ट्राई करोगे, फिर उसमें भी 4 से 5 लाख रुपये भरना पड़ेगा आपको, पे करना पड़ेगा। इससे अच्छा गाइस यही होगी कि आप नूसी मैरीटाइम एकेडमी, TS रहमान एकेडमी, TS रहमान जो कॉलेज है उड़ीसा है, इन तीनों में ट्राई करो। अगर गाइस इन तीनों कॉलेजेस में से अगर एक में भी हो जाता है आपका एडमिशन, हो जाता है आपका किसी एक में भी, तो गाइस आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ना प्लेसमेंट का ना मतलब
प्लेसमेंट के लिए पैसा देना पड़ेगा आपको। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ ITF कंपनी आती है गाइस, बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है इसमें। ITF कंपनी हो गई, इसमें तीनों कॉलेज में ITF कंपनी आती है बड़ी बड़ी जॉब प्रोवाइड करने के लिए। बस आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा खुद से और आपको मतलब जॉब लेना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस लास्ट में मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा, आप पहले सोचो समझो फिर डिसाइड करो किस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए लेना है। आप अपने बुजुर्गों से, आप मतलब आपसे जो सीनियर है उन लोग से मतलब आप सजेस्ट करो, राय लो, फिर डिसाइड करो, कंफर्म करो। मतलब इसे जल्दीबाजी में किसी के बहकावे में आके आप किसी भी कॉलेज से मतलब आप एडमिशन मत कंफर्म करो, मत लो, आप फंस जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो गाइस मेरा रीज़न यही था मना करने का जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।